तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला होना है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होना है वर्ल्ड T20 का। जो टीम जीतेगी फाइनल में पहुंचने का अधिकार, दोनों ही टीमें एक एक बार वर्ल्ड T20 अपने नाम कर चुकी हैं और कोशिश यही उनकी होगी कि किस तरीके से एक बार फिर फाइनल जीतने का वो अधिकार कमा सकें। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से दुआओं का दौर है उसे देखकर आंकड़े एक तरफ लगते हैं, भारत का पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है। इलाहाबाद, उज्जैन, देवघर, वाराणसी, पुरी, मिर्जापुर, हर तरफ कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। इतने करीब आकर अब केवल दो कदम दूर रह गई है वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी और लोग चाहते हैं कि अब किसी भी कीमत पर यह हाथ से फिसलने ना पाए। आइए देखते हैं कि मैदान के खेल के हिसाब से ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कितनी दमदार दिख रही हैं। दरअसल ये सेमीफाइनल जो है ये पहला मौका होगा जब भारत और वेस्टइंडीज की टीमें हिंदुस्तान की सरजमी पर भिड़ेंगी। इससे पहले 2020 में दोनों का आमना सामना तो कई दफा हुआ है। IPL के जो मैच होते हैं उसमें एक दूसरे के खिलाड़ी जो है कई बार साथ खेलते हैं, कई बार एक दूसरे के आमने सामने खेलते हैं, लेकिन इन सब के बीच 2020 के खेल में वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में इन दोनों की ताकत पर एक नजर। इंडिया पर छाया क्रिकेट का जुनून, पानी में कमर तक डूबकर आरती, वाराणसी में गंगा में जीत की आरती, फैन ने सोने की T20 ट्रॉफी बनाई, अलवर में सिर पर बनवाई ट्रॉफी, देवघर में टीम इंडिया के लिए यज्ञ। T20 वर्ल्ड कप बस अब दो कदम की दूरी पर है। पहले कदम पर वेस्टइंडीज को आज सेमीफाइनल में हराना होगा और दूसरे कदम पर इंग्लैंड के लिए देश में क्या क्या हो रहा है इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। वाराणसी में लोगों ने गंगा नदी में आरती करके टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की, तो वहीं झारखंड के देवघर में शिवजी के सामने यज्ञ किया। राजस्थान के अलवर में एक फैन ने सिर पर क्रिकेट की पिच बनवा डाली, तो वहीं कोयम्बटूर में एक कारीगर ने सोने की T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाई। अब आपको क्रिकेट फैंस के जुनून की तस्वीरें विस्तार से दिखाते हैं। ये वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी का नजारा है। गंगा की धारा में कमर तक डूबे फैंस हाथों में कोहली और धोनी की तस्वीरें लेकर आरती कर रहे हैं। वाराणसी के क्रिकेट प्रेमियों ने पंचगंगा घाट पर आज के मैच के लिए विशेष पूजा करने का फैसला किया। इसके लिए पुजारी समेत तमाम लोग गंगा में उतरकर आरती करने लगे। मैदान में कोहली और धोनी की कामयाबी के लिए नारे भी लगाए, शंख बजाए, भजन गाए और डमरू बजाकर भारत की विजय के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना की। भगवान से ये प्रार्थना है, गंगा माता से प्रार्थना है, साक्षात प्रत्यक्ष देवी हैं, साक्षात सूर्य के भगवान के सामने, मतलब गंगा और सूर्य को सानिध्य में हम लोगों ने जीत की कामना की है। वाराणसी के इन क्रिकेट प्रेमियों को भरोसा है कि पिछले मैच में भी इन्होंने विशेष पूजा की थी, इनकी पूजा सुन ली गई और टीम इंडिया को जीत हासिल हुई। इन लोगों को भरोसा है कि इस बार भी उनकी भक्ति भारतीय टीम को शक्ति देगी। आज का सेमीफाइनल जीतने के लिए देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पुरोहितों ने कामना लिंग की पूजा की। विशेष पूजा की। बाबा वैद्यनाथ से ये प्रार्थना की गई है कि टीम इंडिया के धुरंधरों का बेमिसाल प्रदर्शन यूं ही जारी रहे। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया उसी तरह आज वेस्टइंडीज को भी हराकर टीम फाइनल में पहुंचे। मान्यता है कि वैद्यनाथ मंदिर में कामना लिंग के सामने जो भी यज्ञ करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। क्रिकेट फैंस को भी यही उम्मीद है।
कहते हैं दुआओं में बहुत असर होता है, इसलिए क्रिकेट प्रेमी भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि आज सेमीफाइनल में इंडिया विजयी हो। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ, देवघर से शैलेंद्र मिश्र, देवघर आज तक। माफ कीजिएगा, रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखा पाए, यानी कि आंकड़ों की लड़ाई हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पर फैंस का जुनून है और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट को यह दर्जा हासिल है। हमारे साथ मुंबई से खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सलीम और सुलेमान। इनके जो गाने हैं वो हमारे खिलाड़ी भी गुनगुनाते हैं जब टीम को जीत दर्ज करनी होती है और टीम को एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और इसीलिए आज मैच देखने का प्लान। जी बिल्कुल, मैच देखेंगे, बहुत बड़ी मैच है ये, और ये कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग दोनों। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं कि हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड कप T20 इस बार वापस ले आए हमारे देश के लिए, और यू नो हम सबकी दुआएं हैं, हम सबकी आशा है कि यू नो टीम इंडिया जरूर ये वर्ल्ड कप जीत के ले आएंगी हमारे लिए। थोड़ा सा डर नहीं लगता है कि सिर्फ एक विराट कोहली है जो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी पता नहीं आज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से आज रोहित शिखर धवन और रायना को करना ही पड़ेगा। मैंने तो एक सोच भी लिया है कि मैं ऐसे करूंगा कि रोहित प्लीज डू इट, शिखर आज रन्स कर और नो फिकर, एंड रैना प्लीज आज क्रीज पे रहना। सो आई थिंक अगर ये तीन बैट्समैन खेल गए, हमारी बॉलिंग साइड काफी स्ट्रांग है, अगर ये तीन बैट्समैन एक प्लेयर वन आई मीन वन टू और थ्री हमारे जो बैट्समैन के ऑर्डर अगर ये खेल गए तो यू नो फिर हमें कोई नहीं रुका सकता है इस वर्ल्ड कप के लिए। तो यही हम सोच सकते हैं कि ये जो सारी बातें आपके सुन के अगर लोग जा रहे होंगे तो यही प्लैकार्ड्स हमें आज स्टेडियम के अंदर नजर आने वाले हैं। यही आवाज़ हम पूरी स्टेडियम से उम्मीद करेंगे कि उठेगी, और उसके बाद जितने भी खिलाड़ी हैं वो उत्साहित होकर ऐसा खेलेंगे कि वेस्ट इंडीज तो क्या, फाइनल में जो टीम उनसे भिड़ने वाली है यानी कि इंग्लैंड, उन्हें भी पहले से डर लग जाए। एक इंडिया का कप अब केवल दो कदम की दूरी पर रह गया है, वेस्ट इंडीज से मुकाबला भारत का होने वाला है अब से कुछ देर बाद वानखेड़े मैदान में। उससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां तमाम हमने कर रखी हैं। मुंबई से सलीम सुलेमान हमारे साथ जुड़े हैं, अभी चक दे इंडिया की गूंज हमने सुनी थी, लेकिन इसके साथ ही हमारे संवाददाता रजत सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, रसेश मंडानी मुंबई से जुड़े हुए हैं। रजत, जो फैंस हैं वो इस बात से बेफिक्र रहते हैं कि मैच चल कहां पर रहा है, उन्हें बस इंडिया की जीत चाहिए, तो दिल्ली में ऐसी उम्मीद बंधी हुई है? बिल्कुल श्वेता, हम जहां पर मौजूद हैं इस वक्त, यहां पर आपको मैच के टाइम की बात करें तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और अभी से लोग अपनी अपनी जगह बुक कर रहे हैं। आप देखिए टीम इंडिया की टी शर्ट पहन के ये लोग यहां पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, आज का मैच बड़ा सेमीफाइनल है, क्या लगता है टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज कौन जीतेगा? टीम इंडिया जीतेगी, इसमें जरूर ही टीम इंडिया जीतेगी, कोहली खेलेंगे इसमें। हमने देखा हर मैच में आप लोग यहां पहले से आ जाते हैं, जगह बुक कर लेते हैं। विराट कोहली वर्सेस क्रिस गेल, टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, क्या लगता है कैसा मुकाबला होगा और जीत आखिर में टीम इंडिया की? हाँ, आखिरकार जीत टीम इंडिया की होगी, क्योंकि विराट कोहली बहुत कंसिस्टेंटली खेलते गए हैं, वो टूर्नामेंट में रन ही मारते गए हैं, और क्रिस गेल वो कभी कभी चलते हैं, कंसिस्टेंसी वर्सेस कभी कभी। लेकिन टीम इंडिया में और भी प्लेयर्स हैं जो मैच विनिंग हो सकते हैं लेकिन अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, आज लगता है टाइम है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, बिल्कुल टाइम है उनका, और साथ में बॉलर्स भी हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, नेहरा हो गया, अश्विन हो गया, सब ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिल्ली वालों का जलवा चल सकता है? बिल्कुल, दिल्ली वालों का ही जलवा चलता है, दिल्ली का ही जलवा चल रहा है रजत, लेकिन चलना मुंबई में है। जी रजत, चलना मुंबई में है, मुंबई में रसेश मंडानी हमारे साथ मौजूद है, और मुंबई में चूंकि मैच है इसीलिए जितने भी लोग हैं वो अभी से तैयार बिल्कुल उनके पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुंबई की जो 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 चीजें वहां पर हैं, जो जो कंडीशंस हम बात कर रहे हैं रसेश, वहां पर इंडिया कितना भारी?
बहुत ज्यादा नमी है श्वेता यहाँ पर, लेकिन इसका फैंस को कोई असर नहीं हो रहा है। गर्म बहुत है, लेकिन उन्हें इंतजार है शाम का, कुछ घंटे का वक्त बचा है। सलीम सुलेमान आपके स्टूडियो में है, और वो क्रिकेट के फैंस से हमने देखा था कोलकाता में अमिताभ बच्चन क्रिकेट देखने आए थे। ये ताजुब की बात नहीं होगा कि अगर आज वानखेड़े स्टेडियम में बहुत सारे फिल्मी सितारे भी हमें देखने मिले, लेकिन जो आम जनता है जो कलरफुल कपड़े पहनकर आते हैं, जैसे मेरे साथ ये ग्रुप है, ये तरह तरह दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं, एकजुट होकर ये मैच देखते हैं, इनकी राय लेते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, जिस तरीके से भारत ने मोहाली में जीता, कितना भरोसा है अब आपको अपनी टीम? भरोसा तो बहुत है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है इंडिया ने, वर्ल्ड कप इंडिया लेके जाएगा, और 2011 में ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज को भी हराया था, यहाँ पे भी हराएगा आज। आप तो लगातार टीम इंडिया के साथ रहे, ये इसी तरह से अलग अलग कलर्स में आप हर जगह मौजूद रहते हैं, इस बार विश्व कप दिलाएंगे आप? चौकस चौकस दिलाएंगे इस बार। इंडिया गोइंग टू बी विनिंग। How many runs? इंडिया आज तकरीबन 220 रन बनाएगा। गेल, विराट गेल पे भारी पड़ेंगे आपको लगता है? ओ कोहली का देखा है ये, वो बहुत गेल को तो टाटा बाय बाय टाटा फेल कर देंगे। आपको क्या लगता है? सॉरी आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको टीम से? बहुत बहुत, जैसे कि हमने इतने जो अच्छी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को पछाड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया को मार का तो कोई डर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो गेल तो ऐसा अश्विन रसेश यहाँ तो विकेट ले लेंगे जी, यहाँ तो स्कोर प्रिडिक्ट करने लगे हैं कि 220 रन बन जाएंगे जी। सेमीफाइनल आज शाम 7 बजे से खेला जाना है, बाकी दिनों के मुकाबले आज जो सेमीफाइनल मुकाबले हैं वो आधे घंटे पहले से शुरू हो रहे हैं, और उसी की तैयारी में जो जहां है वहीं पर देखने की तैयारी है, और वहीं पर सवेरे से वो अपने अपने तरीके से दुआओं के दौर में लगे हुए हैं लोग, कि किस तरीके से अपना योगदान टीम इंडिया की जीत में दे दें। मुकाबला वेस्ट इंडीज से है, दूसरे ग्रुप की नंबर वन टीम, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से भारतीय टीम खेलती रही है, जिस तरीके से भारत का जीत का सिलसिला रहा है, उसे देखकर भारत का पलड़ा भारी लगता है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, और इसी के मद्देनजर Hello everybody.